हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पोस्ट निकली है लॉ क्लर्क ट्रेनिंग की, उसके बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मतलब कमेंट किया है और पूछा है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे या कौन से सब्जेक्ट इसके लिए तैयार करने चाहिए। हालांकि मैंने इस पर 2-3 वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट हैं, वो क्लियर नहीं हो पाए। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे और वीडियो बनाने के लिए कहा है इस पर, क्योंकि इसके लिए कोई सिलेबस वगैरह नहीं दे रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इसलिए वो उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट जब ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वही बता सकता है जिसने वो इंटरव्यू फेस किया हो। तो मैं कर चुकी हूँ वो इंटरव्यू फेस, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। और मैंने पहले भी किया है, लेकिन कई लोगों को या कई स्टूडेंट्स को इस पर क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहती हूँ। तो आपके लिए मैं और वीडियो बना के मतलब आज और वीडियो बना के डालना चाह रही हूँ, एक और नई वीडियो बना रही हूँ। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अपने हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके दोस्त हैं या जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं या जो लॉ स्टूडेंट हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी नहीं तो वो आगे भी फ्यूचर में इन फ्यूचर दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन इससे नॉलेज बहुत मिलेगी, और नॉलेज मिलने के साथ साथ आगे जो हाई कोर्ट में पोस्ट निकलती है और परमानेंट पोस्ट निकलती है बहुत अच्छे लेवल की, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आपको, क्योंकि आप हाई कोर्ट में जॉब करेंगे तो आपके टर्म्स भी काफ़ी बनेंगे। फिर उसके साथ साथ आपके टर्म्स बनने से आपको नॉलेज मिलती रहेगी, अप टू डेट रहेंगे, और फिर साथ के साथ ये है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपको उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो उसका भी बेनिफिट आगे पोस्ट के लिए, अगर आप किसी भी नई पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जो हाई कोर्ट में निकलती रहती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट निकलती हैं, परमानेंट पोस्ट होती हैं, तो उनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी नॉलेज के बेस पर और आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपका सीवी स्ट्रांग होगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और बहुत एक्सपोजर भी होगा। तो इसलिए आपके लॉ फील्ड के लिए या आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, जो लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू फेस करने वाले हैं तो वो सबसे पहले ये जान ले, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है इंटरव्यू व्यूवर्स के सामने। जो इंटरव्यू पैनल होता है वो ज़्यादातर जब भी आप मतलब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले तो काम करेंगे कि कूल डाउन हो जाएं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी बात की, फिर उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि बच्चा फ्री हो गया इंटरव्यू दे सबसे पहले तो ये, तो इसलिए घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी नॉलेज एनहांस करने की ज़रूरत है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप 10 के 10 के सवाल दें, अगर आपको कोई जवाब नहीं आता तो आप सॉरी बोल के कह सकते हैं कि मैं इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है मैंने पढ़ा है टॉपिक, या मुझे कन्फ्यूज़न है, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि आप सारे क्वेश्चन में मना नहीं कर सकते, एक दो क्वेश्चन में हाँ चल जाता है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से बेस्ट देने की सोचिएगा और बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूंगी, क्योंकि ये पोस्ट जो है एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है, और अगर आपकी एज 21 से 27 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि इंटरव्यू के लिए सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाएगा, तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने मांगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए। और एक और बात मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी कि हर स्टेट का हाई कोर्ट इस तरह की पोस्ट हर मतलब टाइम टू टाइम निकालता रहता है, तो हर स्टेट की अपनी अलग अलग मतलब सैलरी होती है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15,000 है, 15,000 इसकी सैलरी है, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो हाई कोर्ट हैं दूसरे स्टेट के उनमें भी इतनी होगी, कुछ हाई कोर्ट 20,000 तक देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मेन जो है आपके नॉलेज से फ़र्क पड़ता है, आपकी नॉलेज या प्रोफेशनल जो आपका सीवी स्ट्रांग होगा वो बहुत अच्छा रहेगा।
तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 3 ईयर्स प्रोफेशनल या 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ चाहिए, या तो आपने 3 ईयर्स की हो चाहे 5 ईयर की हो, और जो फाइनल ईयर के हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका इंटरव्यू जब हो तब आपके मार्कशीट या रिजल्ट आ जाना चाहिए फ्रॉम एनी लॉ कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से थ्रू आउट द कंट्री में कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑथराइजेशन दिया हुआ हो। फिर एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम सच लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव नॉट स्टार्टेड प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और एंगेज्ड इन एनी अदर प्रोफेशन और वोकेशन इन सर्विस। ठीक है, ये जो होगा एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट होगा वो ज़्यादातर मेन ये फ्रेशर्स के लिए दी गई है, और जो कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे हैं ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस या किसी के अंडर में वो कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कोई मतलब अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या इस तरह की जॉब है जो मतलब सर्वाइव करेगी तो उसमें उसके लिए मना है, लेकिन हाँ लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए वो इसमें डाल सकते हैं। दो फिर सेकंड पॉइंट में दिया है इन्होंने, दोज हु हैव अपियर्ड इन LLB फाइनल ईयर इन 2022 to 2021 के सेशन में, अगर मान लीजिए कोई वो फाइनल ईयर में मान लीजिए तो वो भी अप्लाई कर सकता है एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग रिजल्ट में आल्सो अप्लाई। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो फाइनल ईयर में है लेकिन उनका इंटरव्यू के टाइम पे रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटराइज कॉपी ही हो वो भी इसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। फिर 55% इसमें मांगा गया है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें परसेंटेज भी नहीं मांगी। एग्जामिनेशन आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी, दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनल मार्कशीट ऑफ LLB एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विच मे बी हेल्ड इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2020 सेप्टेम्बर में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर यहाँ फोर्थ पॉइंट में कंप्यूटर नॉलेज मांगी है जिसमें डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस वगैरह आने चाहिए, और इसके लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर नॉलेज का तो आप वो ले जा सकते हैं, वो अच्छा है, ले जाना ठीक रहेगा। और अगर नहीं है तो आप के पास नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ सर्टिफिकेट की कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है कि सर्टिफिकेट ही हो, लेकिन अभी पहले बाउंडेशन थी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा है। फिर उसके बाद मुझे जैसे काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में आएंगे, और इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं इंटरव्यू, कौन सी लैंग्वेज में पूछेंगे, तो इन क्वेश्चंस का मैं थोड़ा क्लियर करूँगी। सबसे पहले लैंग्वेज की बात देख लेते हैं। लैंग्वेज वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में, इंटरव्यूअर्स पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कंफर्टेबल हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो पूछेंगे। फिर इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप अगर यूनिफॉर्म में जाएँ, जो लॉयर्स या एडवोकेट्स यूनिफॉर्म पहनते हैं कोर्ट में, कोर्ट पहन के जाएँ और अपनी वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाएँ, बॉयज़ अपना अच्छे से पैंट शर्ट पहने और गर्ल्स अपना सूट पहनती हैं तो सूट, साड़ी पहनती हैं तो साड़ी, जिसमें भी आपको कम्फर्टेबल लगे आप वो पहने और वेल ड्रेस होकर जाएँ अच्छे से। और फिर उसके बाद अगर आप ड्रेस पहनेंगे तो उनसे थोड़ा उन्हें इंटरव्यूअर्स पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप यूनिफॉर्म ज़रूर पहने। हालांकि मैंने नहीं पहनी थी, मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ था, पहननी चाहिए। और उसके अलावा सब्जेक्ट की बात देख लेते हैं। मैंने मेजर सब्जेक्ट बताए भी हैं अपने एक व्यूवर्स को कि मेजर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सबसे पहले तो वो आपको यही पूछेंगे आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए किसी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी का क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसी का सिविल लॉ में इंटरेस्ट होता है, किसी का फैमिली लॉ में इंटरेस्ट होता है, या किसी का कंज्यूमर लॉ में इंटरेस्ट अच्छा होता है, या किसी का कॉन्ट्रैक्चुअल या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट होता है। तो वो इस तरह से आपसे पूछ लेते हैं कि आपका कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं या पूछते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी में से ही पूछेंगे, वो इंटरव्यूअर्स की मर्ज़ी है, वो चाहे तो अलग भी पूछ सकते हैं। फिर सब्जेक्ट की बात आ जाती है,
तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और सीपीसी, ये चार सब्जेक्ट तो आपको और कॉन्ट्रैक्ट पांच सब्जेक्ट टोटल आपको ये पांच सब्जेक्ट तो अच्छे से याद मतलब इसके जो मेन वो हैं टॉपिक हैं उसके आपको सेक्शन पता होना चाहिए, उसका लॉ मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता दूं, सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन का बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आईपीसी, सीआरपीसी मेजर जो सब्जेक्ट है वो आज मैं यहाँ इस वीडियो में कवर करूँगी। थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी लेकिन अगर आप एंड तक देखेंगे तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से ऐसे ही जैसे मैं बताऊँ तैयार करके जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होना श्योर है, इंटरव्यू में क्लियर करना श्योर है। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट ज़रूर रहना है, हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हेजिटेट होने से आपके जो है क्वेश्चन जो याद होगा वो भी आप भूल जाएंगे। और साथ ही साथ ये है कि हेजिटेट नहीं होना है और अपने अच्छे से नींद पूरी लेके तब इंटरव्यू देना है। कोई भी मतलब नींद पूरी नहीं होगी तब भी आपका माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो और अपने अच्छे से नींद पूरी करें तब इंटरव्यू दें, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे। फिर हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के देखते हैं टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यूअर ने मुझसे टॉपिक भी पूछे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो मैंने बता दी, मेजर सब्जेक्ट तो आपको करने ही है। एक बार और बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप चाहे तो ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकेंड आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, फिर उसके बाद सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1872, फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का भी है, का है ये इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया और एविडेंस हो गया, ठीक है ये सब हो गया। फिर उसके बाद टॉर्ट भी कर लें तो वो अच्छा है, और उसके जो टॉर्ट में मेन चीज़ आप मैगजिम्स कर लीजिएगा क्योंकि मैगजिम्स पूछ लेते हैं, और उसके जो कुछ केस लॉ हैं वो भी आप कर सकते हैं, उसके केस लॉ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और अगर आप मैगजिम्स पर वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर मैगजिम्स से रिलेटेड भी वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के भी काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट प्रोविज़न कवर किए हैं अपनी वीडियोज़ में, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। फिर उसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस की भी काफ़ी मैगजिम्स आती हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं वो कि कौन से ऑथर ने कौन सी मैगजिम्स की और कौन से इरा के थे, कौन से युग के थे ये, जैसे ऑस्टिन हो गए और रॉस्को पाउंड हो गए और हेरिंग हो गए, ये तीन चार मतलब फेमस हैं। तो आप अगर टोटल पांच जो राइटर्स हैं उनकी काफ़ी मतलब मैगजीन्स वगैरह उनके थॉट वगैरह एक दो कोटेशन याद कर लेंगे तो इंटरव्यूअर्स अगर पूछेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप को रिलेट कर सकते हैं। जैसे काफ़ी मैगजीन्स कॉन्ट्रैक्ट में काम आ जाती हैं, काफ़ी मैगजीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आ जाती हैं और क्रिमिनल लॉ में भी काम आ जाती हैं, तो अगर आप को रिलेट करके बताएंगे ना लॉ को, क्योंकि लॉ हमेशा को रिलेट होता रहता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20-21 अगर हम देखते हैं तो वो हमेशा बात करता है, आर्टिकल जैसे 21 की हम बात कर लेते हैं तो वो हमेशा बात करता है ह्यूमंस के राइट्स के बारे में, ठीक है। और मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई मैगजीम्स है तो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए किसी को गलत तरीके से पनिश किया जा रहा है, एक ही क्राइम के लिए दोबारा पनिश किया जा रहा है, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी वायलेट हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो उन्हें सिक्योर करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसमें हम जा सकते हैं, हमारे आर्टिकल 20-21 ये हमारे जो है सपोर्ट करते हैं, वहाँ राइट टू इक्वलिटी वायोलेट होता है। तो इस तरह से आप क्रिमिनल लॉ को रिलेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह से को रिलेट करने की जो टैलेंट है
वो आपको तब आती है जब आपकी नॉलेज अच्छी होती है, तो आप खुद ब खुद करना सीख जाते हैं कोरिलेट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर इस तरह से इंटरव्यूअर्स के सामने जितना वो पूछें उतना जवाब दें, लेकिन अगर आपको ठीक लगे, इंटरव्यूअर्स सुनने की कंडीशन में है, सुनना चाहते हैं, तो आप तब बता सकते हैं कि ये जो है हमारा इस तरह से क्रिमिनल लॉ है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी वायोलेशन हो रहा है, इस तरह से करके आप एक दो पॉइंट में बता सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा मतलब यह है कि किसी भी टॉपिक के बारे में बताएं, लेकिन लिमिटेड बताएं, ठीक है। ये नहीं है कि इंटरव्यूअर्स सामने से जो है उनका टाइम वेस्ट हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूअर्स को ऐसा ना लगे कि ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, या जितना हम पूछ रहे हैं उससे ज़्यादा बोल रहा है, तो वो भी ठीक नहीं लगता। तो लिमिट में बात कीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा, जितना इंटरव्यूअर्स पूछो उतना बोलें, और साथ के साथ उसी में अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करें कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी वायलेशन है। अगर इस तरह से करके कोई क्रिमिनल लॉ में आ जाता है, मान लीजिए किसी को एक ही क्राइम के लिए दोबारा सज़ा दी जाए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होता है। आर्टिकल 20 इसके बारे में बात करता है, डबल जियोपार्टी के बारे में, तो उस पर मेरी वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो से एंड तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बेस्ट रहेंगे आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए। हाँ, तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट का जो प्रीएम्बल एरिया, मतलब वो जो होता है ना कंटेंट एरिया, उससे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमें करना है प्रीएम्बल तैयार, ठीक है। प्रीएम्बल में देखें कितने अमेंडमेंट हुए हैं, और पहले इसमें 81 वर्ड्स थे प्रीएम्बल में, अभी अमेंडमेंट हुआ 46 अमेंडमेंट हुआ 1976 का, उसके बाद इसमें 4 वर्ड जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को मिलाने के बाद टोटल 85 वर्ड्स हो गए हैं। तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और कई इंटरव्यू के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या वैसे थ्योरी में, ठीक है। फिर साथ ही साथ प्रीएम्बल जो है इसका सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो है उसको भीमराव अंबेडकर ने प्रीएम्बल को बताया है, तो ये आप इंटरव्यूअर्स को बताएंगे तो बहुत अच्छा उन्हें लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीएम्बल का जो मेन पर्पस है, बेसिक स्ट्रक्चर को सिक्योर करना बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किए जाएँ, मना नहीं किया गया, लेकिन अमेंडमेंट करते समय जो अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट जो है उसको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हमारा प्रीएम्बल बोलता है कि ये ध्यान रखना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरह से वायोलेट नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रीएम्बल हमारी क्या कह रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले वी का इस्तेमाल किया गया है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जल्दी, तो उस पर जो है आप देख सकते हैं कि वी से मतलब है हम सभी लोगों के बारे में बात की जा रही है, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं की जा रही है, किसी एक ग्रुप की बात नहीं की जा रही है, किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही है, वी से मतलब हम इंडियंस के बारे में बात हो रही है सभी के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो उसमें वी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो क्यों हुआ है, तो आप अगर जानते हैं तो ये बताएंगे तो इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो इसका मेन पर्पस है यह बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये है सारी कम्युनिटी को मिला के रखना, ठीक है। अगर हम इसकी देखें प्रीएम्बल को उसकी, और इन्हें जो है किस केस लॉ में, जैसे मिनर्वा मिल्स हो गया, केशवानंद भारती, और जो है मेनका गांधी का भी एक केस है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करता हुआ, तो प्रीएम्बल को जो है ये सिक्योर करना बताता है बेसिक स्ट्रक्चर को, जो हमारी मूल विधि है
जो हमारा मूल इसका आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे हमें सिक्योर करना है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर यह है सभी लोगों को मिलाकर रखना, और सभी पर ये एक तरह से इस्तेमाल होगा, मतलब सिटीजन्स पर। और नॉन सिटीजन्स के राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए गए, सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। कुछ राइट हैं जो कि नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं। फिर साथ के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाया गया स्टार्टिंग कौन से एक्ट से की गई, तो हमारे इंडिया में पहले भी 1935 में एक एक्ट बना था, उससे काफ़ी इसमें सिटीजनशिप एक्ट करके था वो, तो उससे काफ़ी हेल्प ली गई थी 1955 में, और 1935 में भी बना, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में 1935 फिर 1955 में, तो उन सब से भी हेल्प ली गई। लेकिन साथ के साथ कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो दूसरी कंट्री से भी लिया गया है, तो इसलिए इसको बोरोइंग थैला भी बोला जाता है या बोरोइंग बैग भी बोला जाता है। मतलब दूसरे देशों से हमने कुछ प्रोविज़न लिए, जैसे फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिए, और दूसरे डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स जो है आयरलैंड वगैरह इस तरह से दूसरी अलग अलग कंट्रीज से लिए। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो अलग बनाऊंगी, वरना ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं आज कल या परसों में ज़रूर डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह की वो पूछ सकते हैं, मतलब प्रीएम्बल से ही काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है केस लॉ। केस लॉ आप हर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, चाहे आप गूगल करके सर्च कर लें, चाहे आप अपने पास से नोट्स और नोट्स से कर लें, चाहे यूट्यूब पर वीडियो देख के उससे बना लें, तो प्रीएम्बल से रिलेटेड जो वो हैं केस लॉ है, इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज, उन्हें जो है शॉर्ट नोट्स बनाएं, और उन शॉर्ट नोट्स में जो है प्रीएम्बल से रिलेटेड केस लॉ है उन्हें उसके साथ लिखें। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक लिखें कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सिटीजनशिप पर नहीं आता, नहीं पूछा जाता, लेकिन क्योंकि CA NRC से रिलेटेड हो रहा है काफ़ी, मतलब प्रोटेस्ट हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, पिछले साल, उससे पिछले साल, 2-3 साल से लगातार, तो इस वजह से हो सकता है कि इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लें, तो आप हो मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन में आप जब अपनी GS तैयार करें, GS आएगी, करंट अफेयर पूछा जाता है, वैसा नहीं पूछा जाता, तो अगर आप इस तरह के GS तैयार करें तो तब उसमें आप कर सकते हैं CA NRC के बारे में, उससे रिलेट करता हुआ जो भी आपको आर्टिकल लगे आप उसे पढ़ें और उसे समझें, ठीक है, या उससे रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देखें। आजकल तो सबसे अच्छा गूगल से या मतलब इंटरनेट से पढ़ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, या बहुत अच्छा ऑप्शन है, या YouTube पे वीडियोस काफ़ी पड़ी रहती हैं, उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सॉल्यूशन और बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पार्ट वन, तो दान यूनियन एंड स्टेटी, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद पार्ट थ्री सिटीजनशिप पे भी मैंने जैसे बताया GS के पर्पज़ से पढ़ने से, तो उसे रिलेट करते हुए प्रोविज़न पढ़ने। फिर उसके बाद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसे भी आप मतलब ये कर लें कि यूनियन और उसकी टेरिटरी कहाँ तक है, इतना इसे मतलब जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना इसमें से नहीं आता, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिटीजनशिप भी आप उससे कवर कर लेंगे जनरल स्टडीज से, तो हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कुछ केस लॉज, जो लीडिंग केस लॉज होते हैं उसे पढ़ सकते हैं आप। फिर इसके बाद जैसे CA NRC से रिलेट करते हुए, वैसे नहीं, जनरल स्टडीज़ में सही रहेगा ये वाला टॉपिक। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स ज़रूर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में, फिर इसका फर्स्ट है डेफिनेशन पार्ट पूछ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फिर इसके बाद लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स को लॉज वायोलेट करेंगे तो वो लॉज जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसमें ये बोला जाए। राइट टू इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, ये चीज़ बताई जा रही है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में आ रहा है, ये पूछ सकते हैं आर्टिकल 15 में, और ये उसका नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में, हर एग्ज़ाम में इस तरह से बहुत आता है इसको, तो आप हर पॉइंट को, हर प्रोविज़न को ज़रूर पढ़ने। आर्टिकल 12 to 35 तक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कवर करें,
इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ आपको जो है अगर छोड़ना भी है तो रेमेडीज पार्ट ज़रूर पढ़ें। आर्टिकल 32 में जो है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी फाइल कर सकते हैं या रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है, इस पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो आप उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है तो 226 के आर्टिकल है जिसमें हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो है, रिट पिटीशन पर भी आप वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेविंग ऑफ 13 लॉज, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट्स, ये सब मतलब हमें फ्रीडम दी गई है। ये आपको ज़रूर मतलब आँख बंद करके आप इसमें से ज़रूर याद कर लें, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेट करते हुए जो लीडिंग केस लॉज हैं वो भी ज़रूर पढ़ लें, केस लॉज आपको ज़रूर याद करने हैं, लीडिंग केस लॉज फिजूल ना करें चाहे, लेकिन लीडिंग केस लॉज ज़रूर कर लें। और जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स बनाए प्रीएम्बल के, जो लीडिंग केस लॉज होंगे उन्हें शॉर्ट्स में बस उनका नाम लिख लें, जाते टाइम आप उन्हें रिकॉल कर सकें, जिसे याद कर लें तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे रिकॉल हो जाएगा वो। और वैसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनके फैक्ट वगैरह वो पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरह के फैक्ट हैं, तो वो तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि फैक्ट एक स्टोरी की तरह होते हैं, तो याद रह जाते हैं। लेकिन जो उसका केस लॉज का जो मार्जिनल नोट्स होता है या पूरा केस होता है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, इस तरह से जो इसकी डेट वगैरह होती है वो अच्छे से याद कर लें। फिर इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से जनरल स्टडी के पर्पज़ से आप पढ़ सकते हैं कुछ प्रोविज़न, कुछ प्रोविज़न से मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 39A में। फिर डेफिनेशन पार्ट ज़रूर पढ़ लेना, डेफिनेशन पार्ट से आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या दिया हुआ है। और फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन द पार्ट स्टेट ऑफ सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन टू वेलफेयर, तो इसलिए इसमें से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरल स्टडी के पर्पज़ से, अदरवाइज़ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आप ऐसी ही ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पूछा जाता। फिर पार्ट 5 आ जाता है यूनियन, यूनियन में से पूछा जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में 53 आर्टिकल, और आर्टिकल के वाइज पूछ सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए किसी भी स्टेट के कंट्री के लिए तो वो कहाँ है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर किसी भी हम वर्ल्ड मैप में पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया को एज ए स्टेट बोलेंगे, ना कि कंट्री, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को हम एज ए कंट्री बात करेंगे, और जो इसके स्टेट है वो अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या और दूसरे स्टेट हैं, इस तरह से बात होगी। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात है, मतलब इंडिया में एक प्रेसिडेंट ज़रूर होगा, इस तरह से है। फिर इसके बाद जो आर्टिकल पार्ट 5 है इसको आप अच्छे से तैयार करें, और चैप्टर 2 पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये जो है इसका ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स के बारे में है, ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इनके आर्टिकल वगैरह पूछ लेते हैं कौन से आर्टिकल में है ओथ वगैरह लेना जो मेंबर्स होते हैं उनकी। और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में, वैकेशन ऑफ सीट्स, ये सब बारे में ये पूछ लेते हैं आर्टिकल वगैरह, पावर्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह इनकी। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से या मेरे एक एडवाइस मानेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो पार्ट 5 भी आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बहुत अच्छे से दे रखी है। फिर उसके बाद प्रेजिडेंट के बारे में, ठीक है, ये तो आपको आगे भी एग्ज़ाम में काफ़ी काम करेगा, तो आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। फिर इसके बाद प्रोसीजर्स इन फाइनेंशियल मैटर्स पर भी बात मतलब कर सकते हैं। मैं अगर आपको इससे रिलेट करती हूँ कोई भी वीडियो चाहिए हो पार्ट 5 से या पार्ट 3 से, तो मैं एक डिटेल वीडियो भी मैं बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप उसी टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी जिससे कि आपको हेल्प हो। प्रोसीजर जनरली जो होंगी वो सब भी मतलब एक
जो इम्पोर्टेंट है वो मेन तो यही है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट होंगे, कौन सा आर्टिकल में आ रहा है, ये सब आर्टिकल आपको पता होना चाहिए पार्ट फाइव में भी। फिर इसका चैप्टर थ्री में लेजिस्लेटिव पावर्स एंड प्रेसिडेंट की दी गई है, ये भी पता होना चाहिए। चैप्टर फोर में द यूनियन जुडिशरी दिया गया है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक, इतना याद ज़रूर करें। फिर इसके बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बारे में या जुडिशरी के बारे में पता होना चाहिए, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये पता होना चाहिए, सैलरीज पता होनी चाहिए जजेस की कितनी होती है, ये सब चीज़ें। चैप्टर फाइव में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस पर मेरी एक वीडियो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, ठीक है। इनके क्या काम होते हैं, क्या क्यों इनको अपॉइंट किया जा सकता जाता है, ये सब पता होना चाहिए। फिर इनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 148 में हो रहा है, इनकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स दी गई हैं 149 में, इस तरह से आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट 151 आर्टिकल में दी गई है, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स 150 आर्टिकल में दिया गया है, इस तरह से पता होना चाहिए। पार्ट सिक्स द स्टेट के बारे में आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इंडिविजुअल ऑफिसर्स चैप्टर थ्री, ठीक है, चैप्टर टू ये। इसके बाद पार्ट सिक्स में जो द स्टेट, पार्ट फाइव में द यूनियन है, पार्ट सिक्स में द स्टेट्स के बारे में दिया गया है, तो स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे आपको यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर चैप्टर फाइव है, इनमें पार्ट सिक्स में चैप्टर सिक्स हैं और पार्ट फाइव में चैप्टर फाइव हैं, ठीक है, इस तरह से पता होना चाहिए। चैप्टर सेवन रिपील कर दिया गया है पार्ट सिक्स में से, पार्ट एट में द यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है, पार्ट नाइन में द पंचायत के बारे में दिया गया है, यूनियन टेरिटरी, द पंचायत, इनके बारे में, या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में मेजर चीज़ें याद कर लीजिएगा, जैसे डेफिनेशन पार्ट, ग्राम सभा के बारे में पता होना चाहिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो इसलिए पूछा जा सकता है, तो इसे जो है शॉर्ट में याद कर लें, द पंचायत को और द यूनियन टेरिटरीज वगैरह को, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में अगर आप देखें तो ग्राफ वाइज मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, वो भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वो ग्राफ बना लें, उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, मतलब आप बता सकते हैं इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नाइन पंचायत के बारे में, और पार्ट एट द यूनियन टेरिटरी मैंने बताया, जैसे शॉर्ट में पूछ लेते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है चैप्टर सिक्स है इसका, तो पार्ट फाइव सिक्स का ये, तो चैप्टर जो पार्ट सेवन है वो रिपील हो गया, पार्ट एट जो है ये द यूनियन टेरिटरी के बारे में है, ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी बस इसे फर्स्ट आर्टिकल पढ़ लीजिएगा 239 को। पार्ट नाइन पंचायत के बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन, ग्राम पंचायत के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में, कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इतना याद कर लीजिएगा, काफ़ी है, सफिशियंट है वो, इसलिए क्योंकि इस टाइम जो है इलेक्शन का टाइम है तो पूछ सकते हैं, वो भी जनरल स्टडी के पर्पज़ से, और आर्टिकल ज़रूर याद कर लीजिएगा, और वो भी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उससे नहीं, ये द पंचायत वाला मतलब हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कहीं से भी। पार्ट नाइन ए जो है म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में, ये भी पूछ सकते हैं, इनमें डेफिनेशन पार्ट याद कर लीजिएगा कि म्यूनसिपालिटी क्या होती है, तो आपको जनरल स्टडी के पर्पज़ से भी पता होना चाहिए पंचायत के बारे में, म्यूनसिपालिटी के बारे में, फिर कौन से आर्टिकल में दे रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। 243 में इसकी डेफिनेशन दी गई, 243 पी में, और टोटल कितने आर्टिकल हैं ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, कितना अमेंडमेंट हो गया अब तक, 105 अभी हाल फिलहाल में उस पर अमेंडमेंट हुआ है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है वो, तो ये जनरल स्टडी में आप कवर कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन आपका जनरल स्टडी में कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद पार्ट 10 में आ जाते हैं द शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरियाज, ये नहीं आएगा, पार्ट 10 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 11 इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट की जो है ना रिलेशन वो ज़रूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वन है इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब जो स्टेट और यूनियन की जो रिलेशन होती है वो पूछी जाएगी इसमें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें चैप्टर टू है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात की जा रही है, चैप्टर वन बात कर रहा है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, क्या क्या पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर उसके बाद पार्ट 13 में आ जा 12 में आ जाते हैं, पार्ट 12 में आ जाते हैं, तो उसमें जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन GST और इनकम टैक्स से रिलेट करता हुआ अगर आप GS में तैयार करना चाहें तो तब इसमें से देख सकते हैं। मैं एक आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेन प्रोविज़न जैसे प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 5, पार्ट 6, ये कवर कर लें बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर उसके अलावा जो प्रोविज़न है जैसे पार्ट 7 तो रिपील हो गया, 8th जो है वो पार्ट 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब आपको जनरल स्टडी से कवर हो जाएगा, और जनरल स्टडी में जब आप पढ़ें तो उससे रिलेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो याद कर लें, ठीक है, अच्छे से रट लें मतलब। फिर उसके बाद पार्ट 12 ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर पार्ट 12 का फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, GS में कवर हो जाएगा, ये भी मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट। और फिर इसके बाद चैप्टर 3 ये आप बात करें प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट। राइट टू प्रॉपर्टी, हाँ ये ज़रूर याद कर लेना आप, चैप्टर 4 है इसका, ठीक है, पार्ट 12 का राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए आपको याद करना है क्योंकि इसको यहाँ पर अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया है, और पर्संस नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसमें जो ये तो था राइट टू प्रॉपर्टी, ये था फंडामेंटल राइट हमारा, अब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया, जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसके रिलेट करता हुआ GS में जनरल स्टडी जब आप कवर करेंगे तो इससे रिलेट करते हुए जो अमेंडमेंट होगा वो आपको उस यहाँ पे कवर कर लेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में दिया है, चैप्टर 4 और पार्ट 12 में, ठीक है, इस तरह से पता होना चाहिए, ये इस तरह से इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद पार्ट 13 नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी पार्ट 14 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, हाँ चैप्टर पार्ट 14 चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब इतना गहराई से नहीं, हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद पार्ट 14 ए भी नहीं, ट्राइब्यूनल्स भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, वैसे भी जनरल स्टडी में आपका ये कवर हो जाएगा, जनरल स्टडी के हिसाब से इलेक्शन वाला आपको प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट 15, क्योंकि इलेक्शन का वैसे भी टाइम आ रहा है। इसके बाद पार्ट 16 में आ जाते हैं, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन केसेस, नहीं इसमें रिजर्वेशन वगैरह से रिलेटेड है, तो ये आपका अमेंडमेंट वाला अमेंडमेंट जब कवर करेंगे 105 रिजर्वेशन से रिलेटेड है हाल फिलहाल में, तो उसमें आपके जो आर्टिकल GS में कवर होंगे उसमें आप कर सकते हैं इन्हें। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पता होना चाहिए 343, इसे शॉर्ट में याद कर लीजिएगा बस आर्टिकल और इसमें क्या दे रखा है 343 में चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगी। जैसे नेशनल लैंग्वेज हिंदी है हमारी, वैसे भी इतना तो पता ही होना चाहिए, चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ें नहीं, बस इतना ही सिंपल। फिर इसके बाद चैप्टर 18 पार्ट 18 में आ जाते हैं, पार्ट 18 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविज़न, ये आपको पूरा कवर करना है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 316 तक, 60 तक। इस पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप चाहते हैं तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना लूँगी, तो शॉर्ट में बनाऊँगी तो उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कम समय में और ज़्यादा सब पता चल जाएगा। इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और इतना बड़ा नहीं है जितना इसमें दिखाया जा रहा है, बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 19 में मिसलेनियस है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख कहा जाता था, अब इसे राज वो गवर्नर कहा जाता है, गवर्नर को पहले राज प्रमुख कहा जाता था, ठीक है। तो मिसलेनियस वाला पार्ट में से आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ करना है, बस यही वाला राज प्रमुख जो मैंने बताया, पहले गवर्नर्स को राज प्रमुख कहा जाता था, यही सफिशियंट है बस। फिर उसके बाद पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 20, पार्ट 18
और पार्ट 19 इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर पार्ट 21 में आ जाते हैं, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट। पार्ट 21 बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड द हिंदी रिपील्स वगैरह, ये सब जो है आपको ये ज़रूर पढ़ना है लास्ट में, क्योंकि इसमें जो है डेफिनेशन पार्ट दिया हुआ है आर्टिकल 393। टोटल इसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 to 395 हैं, उसके अलावा अमेंडमेंट करके जोड़ दिए गए हैं तो 400 समथिंग के अराउंड है। तो इसके अलावा जो है जो अमेंडमेंट हुए, जैसे ABCD करके इंसर्शन किया जाता है, वो इसलिए जिससे कि सीरियल ख़राब ना हो अमेंडमेंट करने के बाद, जो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी 300A कर दिया गया है, तो इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि जो इसका सीरियल नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो या आर्टिकल्स का वो गड़बड़ ना हो, इसलिए अल्फ़ाबेट से उसमें अमेंडमेंट करके इंसर्शन किया जाता है जो इसके आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शेड्यूल जो है टोटल 12 शेड्यूल हैं, और ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, अभी 12 शेड्यूल हो गए, पहले जो है 7 शेड्यूल थे, और कितने आर्टिकल थे पहले, आर्टिकल 393 थे, अभी 395 हैं। फिर उसके बाद प्रीएम्बल में जैसे 81 वर्ड्स थे, फिर अभी जो है अमेंडमेंट के बाद 46 अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद 1976 का, तो उसके बाद 85 वर्ड्स हो गए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर लीगल जो केस लॉ है वो पता होना चाहिए हर प्रोविजंस के। तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इतना छोटा नहीं जितना मैंने बताया, ये कंटेंट बताया कंटेंट के हिसाब से। इस पर डिटेल वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं जिस भी टॉपिक को की आपको चाहिए, और जिस टॉपिक की नहीं है आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं IPC के प्रोविज़न। सबसे पहले मैं बता दूं IPC या CRPC के वो प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, या इंडियन एविडेंस एक्ट के, जिसमें जो वुमेन्स से रिलेटेड क्राइम्स के बारे में है और जो चाइल्ड से रिलेटेड उसके क्राइम्स के बारे में है, और मेरे चैनल पे भी काफ़ी UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट NSA, इस पर काफ़ी वीडियोस हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा, उससे सफिशिएंट आपको नॉलेज हो जाएगी, और जो नोट्स आपको बनाने हैं वीडियो देख के बना सकते हैं, काफ़ी है। और मैंने वीडियोज़ के नीचे भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। शॉर्ट्स में शॉर्ट नोट्स बनाने ज़्यादा इसमें नहीं आता, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं आपसे। UAPA जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोटेस्टर्स पर लगते हैं इस तरह के जो एक्ट होते हैं, UAPA हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हो गया, या NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, तो इस तरह के एक्ट ज़्यादातर उन पर लगते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं या जो मतलब सेडिशन करते हैं, राजद्रोह करते हैं देश के अगेंस्ट, तो उन लोगों पर, कोई षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्परेसी करते हैं, उन लोगों पर लगते हैं। तो आप मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए एक लॉ ग्रेजुएट होने के नाते, तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं इस तरह से। तो इसलिए बस आप वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम IPC के प्रोविज़न देखते हैं। तो हमारे ये इंडियन पिनल कोड 1860 का है, और एक चीज़ और बता दूँ, किसी भी एक्ट को याद करने से पहले आप उसकी जो है जो उसकी पास होने की जो डेट है, जब वो एक्ट बना वो डेट पता होनी चाहिए, जब वो एक्ट गवर्नेंस की परमिशन मिली तब वो जो डेट है वो पता होनी चाहिए, और वो उसके बाद एनफोर्समेंट डेट पता होनी चाहिए। ये सब डेट्स पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ लागू होगा, ये हर एक्ट के जो है सेक्शन 1, 2, 3 स्टार्टिंग के चैप्टर में रहता है, तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ, जब इसकी तैयारी कर रहे हैं आप इंटरव्यू की, तो आप बियर एक्ट से करें, और बियर एक्ट भी मैं बता दूंगी, फ़ोटो वगैरह दे दूंगी किस तरह का बियर एक्ट होता है, उससे आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, बहुत सस्ते मिल जाते हैं बियर एक्ट, और दोनों लैंग्वेज में भी होते हैं, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो डुअल लैंग्वेज वाला भी आप ले सकते हैं, और सिंगल लैंग्वेज में इंग्लिश में मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा उससे। और अगर आपको केस लॉ याद करने हैं तो वो आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, केस लॉ के बारे में जो भी लीडिंग केस लॉ है उससे आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट, और जिससे कि आप जाते टाइम जब हम देने जाएं तो तब भी रास्ते में भी पढ़ सकते हैं उन्हें, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और शॉर्ट नोट्स ही बनाएं जिससे कि जल्दी से याद हो जाएँ और ज़्यादा याद भी रहें।
ठीक है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, इसके चैप्टर वन देख लेते हैं, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसमें टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में है, टाइटल क्या है, इस एक्ट को मतलब इंडियन पिनल कोड 1860 कहा जाएगा, टाइटल ये है, इसका एक्सटेंशन, इसका ऑल ओवर इंडिया में ये मतलब माना जाता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था ये वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का अलग एक इंडियन, वहाँ का अलग पिनल कोड है जो कि रणवीर पिनल कोड है, लेकिन अभी यही लगेगा वहाँ भी, ये कश्मीर में भी। फिर इसके बाद क्योंकि अब कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा हो गया है। और फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन टू देख लेते हैं, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, ठीक है। पनिशमेंट जो है ऑफेंसेस का जो कमिटेड किया गया है इंडिया में, वो सब मतलब अप्लाई होगा इंडियंस के ऊपर अप्लाई होगा, या जो बाहर से आके इस तरह का क्राइम करते हैं जो आईपीसी में क्राइम है, तो उन पे भी ये लागू होगा, ये कहा जा रहा है इस सेक्शन में। सेक्शन थ्री, फिर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, मतलब चाहे पनिशमेंट बाहर से हो रहा है इंडिया के कोई क्राइम इस तरह का जो पनिशेबल है, जिस तरह को कोई ऑफेंस हो रहा है लेकिन इंडिया से बाहर हो रहा है, जैसे कि ज़्यादातर जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं ज़्यादातर इंडिया से बाहर हो रहे हैं, साइबर क्राइम वगैरह जैसे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो चाहे बाहर हो रहे हैं इस तरह के क्राइम, लेकिन असर उसका इंडिया में हो रहा है, किसी इंडियंस का बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड किया गया, तो ऑफेंस जो है उस पर्सन के ऊपर भी आईपीसी लागू होगा इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक्ट का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर याद करना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट जो हर एक्ट है सबका प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें उसके मेन बेसिक दिया जाता है कि इसके अंदर क्या दिया गया है, इस एक्ट में क्या दिया गया है बेसिकली, तो इसलिए वो एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट उसकी पहचान बताता है, फिर आधे से ज़्यादा मतलब एक्ट समझ में भी आ जाता है उससे कि ये क्या कहना चाह रहा है ये एक्ट, ठीक है। चैप्टर टू जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करता है कि ये ज़्यादातर डेफिनेशन पार्ट है इसमें, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल दिया हुआ है, चैप्टर टू दिया गया है सेक्शन सिक्स से लेकर और सेक्शन 52A तक, इसमें डेफिनेशन पार्ट है ये भी याद ज़रूर होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं कोई भी डेफिनेशन और सेक्शन वाइज पूछ लेते हैं, तो सारे सेक्शन भी ज़रूर याद कर लीजिएगा डेफिनेशन के साथ साथ। फिर उसके बाद चैप्टर थ्री आ जाते हैं पनिशमेंट के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर थ्री भी सेक्शन 53 to 55A तक। फिर इसके बाद डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मतलब वही है जो गवर्नमेंट रूल करती है वो, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट काम नहीं करेगी यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि 1860 का एक्ट है इसलिए वही वाले प्रोविज़न काफ़ी हद तक दिए हुए हैं, काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं हर लॉ में लेकिन फिर भी कुछ लॉज नहीं हुए, तो इस तरह से है। तो सेक्शन 57 भी फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम चैप्टर मतलब हमारा जो थ्री है ऑफ पनिशमेंट के बारे में, इसका सेक्शन 53 ये इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, ये भी पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, ये भी 53A का ही पार्ट है, वो भी पता होना चाहिए। तो सेक्शन 55 तक या 55A तक पढ़ लीजिएगा इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अलावा नहीं है ये। फिर इसके बाद सेक्शन 63 ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ फाइन क्या होना चाहिए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर कोई फाइन पेमेंट नहीं करता तो कितना सेंटेंस होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। आगे 75 तक इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, टू भी पूरा इंपॉर्टेंट है, बस दो तीन प्रोविज़न छोड़ के जो मैंने बताए 59, 60, 61, 62 इसे छोड़ के, और बाकी सब इंपॉर्टेंट है चैप्टर थ्री भी। फिर चैप्टर फोर में आ जाते हैं जनरल एक्सेप्शन, ये भी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मेरी वीडियोस हैं चैप्टर थ्री चैप्टर फोर पे, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। चैप्टर फाइव भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ अमेंडमेंट। फिर चैप्टर फाइव हो गया, फिर चैप्टर फाइव एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये चैप्टर फाइव का ही पार्ट है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चैप्टर सिक्स है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सेवन जो है आर्मी नेवी एयर फोर्स पर अप्लाई होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देना आप चैप्टर नहीं, बस इतना पता होना चाहिए चैप्टर जो 6-7 है वो आर्मी वगैरह पे एप्लीकेबल होता है, बस इतना पता होना चाहिए। चैप्टर 8 जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी अनलॉफुल असेंबली वगैरह से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए।
फिर चैप्टर 9 जो है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, ये भी पता होना चाहिए। जैसे पुलिस ऑफिसर अपना जॉब करते टाइम उनके साथ कोई मारपीट करता है या मिसबिहेव करता है तो उन पर लागू होता है ये चैप्टर 9, पता होना चाहिए हर एडवोकेट को। चैप्टर 9A ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड जो ब्राइबरी वगैरह होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन एक GS पर्पज़ के हिसाब से पता होना चाहिए और शॉर्ट में, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 10 ऑफ ऑफेंसेस ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 11 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ये भी पता होना चाहिए लेकिन शॉर्ट में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ये भी बस शॉर्ट में पता होना चाहिए। चैप्टर 12 में दिया गया कौन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं या स्टैम्प से रिलेटेड फ्रॉड जो होते हैं, कॉइन से मतलब गलत तरीके से ये जो फ्रॉड से करेंसी बनाई जाती है वो, या नकली करेंसी के लिए या नकली नोट बनाना या नकली स्टैम्प बनाना, स्टैम्प्स मतलब होती है मोहर वगैरह, ठीक है। ये बस शॉर्ट में पता, यही पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में या कौन से कितने सेक्शन से कितने सेक्शन तक होना चाहिए वो सब चीज़। चैप्टर 13 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेट एंड मीजर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन चैप्टर 15, नहीं ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए थोड़े बहुत चीज़ें शॉर्ट में, लेकिन इतना इसके हिसाब से इंटरव्यू पर्पज़ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरी वीडियो भी है, डिटेल वीडियो आप उसे भी देख सकते हैं, आर्टिकल 299 से लेकर, ये है आर्टिकल वो सॉरी आर्टिकल नहीं सेक्शन, आर्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 377 तक, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा टॉपिक भी है, चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर तैयार करिएगा। चैप्टर 17 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थेफ्ट वगैरह के बारे में दिया गया है, रॉबरी डकैती पनिशमेंट दिया गया है इनका, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं चैप्टर 18th ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू 173 प्रॉपर्टी मार्क्स, ये इतना फॉर्जरी वगैरह, ये फॉर्जरी वाला बस ये सेक्शन याद कर लीजिएगा आप, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इज सेक्शन 463, 464, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, बस इतना ही और इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू पर्पज से। फिर उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस चैप्टर 19th, ये भी शॉर्ट में पता होना चाहिए, मतलब अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी सर्विस को पूरा करने के लिए और आप नहीं करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें जो क्रिमिनल केस भी बन सकता है, तो वो कौन से सेक्शन में होगा, तो ये इस तरह से चैप्टर 19 बताता हमें। चैप्टर 20 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज कोहिबिशन कॉज्ड बाई मैन डिसीडफुली डिसफुल मैरिज 497 एडल्ट्री वाला, इसमें इंपॉर्टेंट है बस सेक्शन 1 497 और इस पर मेरी एक वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं आप। चैप्टर 20A ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 21 ऑफ डेफेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफेमेशन किसी के साथ मतलब किसी की मानहानि करना, ये चैप्टर 21 में दिया गया है, सेक्शन 499 टू सेक्शन 42 तक है ये, और ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। चैप्टर 20.22 में आ जाते हैं हम ऑफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन इंसल्ट अनोयंस क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 23 में आ जाते हैं ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है 5511 और ये वुमेन से रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड है, तो इसलिए पता होना चाहिए। और वुमेन्स और चाइल्ड से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उसमें एक पॉक्सो एक्ट भी है, चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट, तो ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो उसमें मेरी एक डिटेल वीडियो आप वो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम CRPC और उसके अमेंडमेंट जो प्रोविज़न है IPC का, आप वो भी इस जनरल स्टडी के पर्पज़ से ज़रूर याद कीजिएगा।
ये सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973, और इसमें जो है प्रीएम्बल या प्रिलिमिनरी पार्ट है चैप्टर वन, वो भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में है, क्योंकि जो हमारा सीआरपीसी है वो बात करता है कोर्ट्स प्रोसीजर के बारे में, क्रिमिनल केसेस में जो कोर्ट का जो प्रोसीजर होगा, किस तरह से ऑफेंडर्स को मतलब कमिट किया जाएगा, किस तरह से उस पर कोर्ट केस होगा या किस तरह से प्रोसीडिंग होगी, वो सब इसमें दिया गया है। तो कोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से कोर्ट्स हैं, और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इसमें दिया हुआ है क्रिमिनल केसेस के हिसाब से। तो आप मेरी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के जो वीडियो है उसके साथ साथ इसे भी ज़रूर याद करें। और इसमें कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के बारे में दिया है, सेक्शन 16, मतलब सेक्शन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कोर्ट्स के बारे में कौन से सेक्शन में दिया गया है इंटरव्यू में। इसके बाद चैप्टर 3 है पावर्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में है, ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन शॉर्ट में, इंटरव्यू में तो शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, तो पूछ सकते हैं कि कौन से कोर्ट की कितनी पावर होती है, कितना वो फाइन लगा सकता है, कितनी वो पनिशमेंट दे सकता है, ये सब है इसमें। चैप्टर 4 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जनरल स्टडी के पर्पज से पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स को अरेस्ट करने की क्या क्या प्रोविज़न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में आ जाते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, फॉर्म ऑफ समन्स वगैरह जो है, जैसे मतलब प्रोसेस किस तरह से होगा, समन्स कैसे भेजा जाएगा, या वारंट किस तरह से इशू होंगे, या इनमें जो है किस तरह से शोर्टी दी जाती है, किस तरह से मतलब बेल होती है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 भी, चैप्टर 4 भी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, चैप्टर 4, 5, 6, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 7 में आ जाते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 में आ जाते हैं कंडीशंस रिक्विसाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग कॉग्निजेंसीज ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, किस तरह से इनिशिएशन स्टार्टिंग कैसे होगी, तो चैप्टर 14 भी इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंस टू मजिस्ट्रेट, चैप्टर 15 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 17 चार्जेस फ्रेम किस तरह से होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार्जेस फ्रेम होना मतलब जो क्राइम करता है ऑफेंडर, तो उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, जो वो क्राइम करता है वो उस पर चार्जेस फ्रेम हो गए। मान लीजिए उसने चोरी की, चोरी करने के साथ साथ मतलब लोगों को मारा भी जिसके घर में गया, या हाउस ब्रेकिंग के चार्जेस लगेंगे, रात में की चोरी तो हाउस ब्रेकिंग के चार्जेस लगेंगे, हर्ट करना किसी को, और अगर ग्रीवियस हर्ट किया तो ग्रीवियस हर्ट्स के चार्जेस लगेंगे। तो ये जितने भी क्राइम उसने किए स्टेप बाय स्टेप, घर में घुसा फिर उसके बाद मारा या चोरी की, तो वो सब के जो है चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो इसको चार्जेस फ्रेम करना बोलते हैं। फिर इसके बाद 18th में आ जाते हैं, चैप्टर 18 ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 20 जो है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 समरी ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 22 अटेंडेंस ऑफ पर्संस कन्फर्म्ड और डिटेंड इन प्रिजन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह कब तक किसी को डिटेन किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें। फिर चैप्टर 23 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, फिर चैप्टर 14 है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 25 जो है प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड पर किस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फिर अपील्स प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समन्स ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन, चैप्टर 25, 26, 28 में दिया गया है, द जजमेंट दिया गया है किस तरह से होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप छोड़ कौन से सकते हैं, अनसाउंड माइंड वाला भी करना पड़ेगा। फिर ये इस तरह से पूछ लेते हैं अनसाउंड माइंड वाले कौन से मतलब उसमें सेक्शन में होगा, तो सेक्शन वाइज याद कर लें आप शॉर्ट में, इतना डिटेल में ना याद करें। तो फिर इसके बाद अपील्स प्रोविज़न चैप्टर 29 में है, चैप्टर 30 रेफरेंस एंड रिवीजन, चैप्टर 31 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
फिर प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 33, चैप्टर 32, एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी बस इसमें कस्टडी वगैरह के बारे में दिया गया है, या किसी की प्रॉपर्टी को वो कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, अगर उसने जो है कोई क्राइम किया है और उसके भागने के चांसेस हैं। मान लीजिए किसी ने ए ने बी का मर्डर किया, फिर वो भागने के चांसेस है तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, किसी के साथ फ्रॉड किया है और इस फिर इसके बाद जिससे कि वो बाहर देश ना भाग जाए या कहीं ऐसी जगह ना भाग जाए जहाँ से उसे बुलाना मुश्किल हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है। तो इससे इरेगुलर प्रोसीडिंग नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके इंटरव्यू पर्पज से मिसलेनियस ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट्स, ये पता होना चाहिए। डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्सन्स, ये बहुत ये भी इतना इम्पोर्टेंट है। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये बार टू टेकिंग ऑफेंसेस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चैप्टर इसमें टोटल पार्ट जो हैं, टोटल चैप्टर इसमें है 37, और इसमें ये पता होना चाहिए आपको हर एक्ट का कि टोटल कितने सेक्शन है उस एक्ट में। जैसे आईपीसी में सेक्शन 1 to 511 तक हैं, और जैसे सीआरपीसी में सेक्शन 1 to 484 तक हैं। तो ये पता होना चाहिए, एविडेंस के पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पूछ सकता है कोई भी इंटरव्यूअर या इंटरव्यू पैनल, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट में याद कीजिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत है। सेक्शन पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या है, और फिर इसके बाद मैं इसके बाद एविडेंस एक्ट का कर देती हूँ। बेसिक जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ अब मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बताऊँगी, ठीक है। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन वो 1872 तक का बताऊँगी मैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविज़न बता रही हूँ, सिर्फ कौन से प्रोविज़न या चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कुछ चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब याद करने लायक है, कौन सा नहीं है। काफ़ी चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए, लेकिन जो प्रोविज़न या जो मैं चैप्टर या पार्ट बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जिन्हें मैंने बताया, अच्छे से याद करने हैं। सीआरपीसी तो आपको बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए, क्योंकि उसके काफ़ी चैप्टर मैंने देखा बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट भी, इसमें जो है चैप्टर 1 जो है वो प्रीएम्बल पार्ट है, ये तो आपको इम्पोर्टेंट करना ही है। चैप्टर 2 जो है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है, कि कौन से एक्ट जो कौन से फैक्ट जो हैं वो रिलीवेंट होंगे, ठीक है। इस पर भी मेरी काफ़ी वीडियो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, और जहाँ तक आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चैप्टर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस तरह के वो आते हैं फैक्ट जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कुछ जैसे कि जो कोई डॉक्यूमेंट होता है वो भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कोर्ट एडमिसिबल हो जाएगा या कोर्ट उसको मान लेगा, ठीक है। कोई अगर हम एविडेंस दे रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, जैसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस होते हैं या गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, तो उसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती उन पर, क्योंकि डाउट ही नहीं होता। या हमारी अपनी मार्कशीट होती है उसको जो है जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे फोटोस्टेट हम लगाते हैं तो सेल्फ अटेस्ट करवाई जाती है, तो वो इसीलिए सेल्फ अटेस्ट करवाई जाती है क्योंकि वो फोटोस्टेट होती है, उसको प्रूफ करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा, प्राइमरी एविडेंस जो है मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट कहलाती है। तो इसलिए तो फैक्ट विच नॉट टू बी प्रूव्ड, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस पर डाउट ही ना हो। जैसे जुडिशियल नोटिस एविल जो नीड वो होंगे फैक्ट होंगे उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एडमिट जो एडमिट हो गया प्रूव उन्हें फैक्ट उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप मुझे ज़रूर बताइए जिस भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। और जल्द से जल्द मतलब इंटरव्यू से पहले पहले आपकी हर हेल्प करना चाहूँगी, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इसके बाद चैप्टर 4 ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। ओरल एविडेंस मतलब कोई पर्सन आके ओरली कोई बात कहे, आई विटनेस हो भी हो सकता है उसमें, और वैसे भी हो सकता है कि आई विटनेस ना हो तो जानता हो किसी को तो उस बेस पे दे रहा हो। चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है।
तो इसके भी प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 64 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री मे बी गिवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65A, 65B, मतलब ये चैप्टर, ये जो है चैप्टर 3, चैप्टर सॉरी 5 जो है पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला। चैप्टर 6 जो है द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 7 जो है द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रूफ करने का राइट किसका होगा, किस पे बर्डन होगा, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 है एस्टोपल के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है। चैप्टर 8 भी, चैप्टर 9 विटनेस के बारे में बात करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है एग्जामिनेशन किस तरह से होगा विटनेस का, इस पर मेरी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और एग्जामिनेशन चीफ होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है, जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है या अपनी बात से मुकर जाता है, तो जो विटनेस लाता है वही पार्टी या उसी पार्टी का जो एडवोकेट होगा वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, मतलब उससे ऐसे पूछेगा जैसे वो दूसरी पार्टी का या अपोजिट पार्टी का विटनेस हो, ना कि उसका विटनेस, ठीक है। तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। आप मुझे बताइएगा, मुझे अगर आपको वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर भी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस पर ही मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगी, जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फिर चैप्टर 11 है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, तो ये लास्ट जो है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी आप याद कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है ये, तो बहुत छोटा सा एक्ट है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है पूरा, मतलब याद कर सकते हैं आप, इतना बड़ा नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको खुद पढ़ने से पता चल जाएगा, तो आप उसे मत करिएगा। लेकिन इसके जो चैप्टर कितने, 9 चैप्टर, 10 और 11 चैप्टर हैं इसके, और इसमें से लगभग ज़्यादातर सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको तभी ये एक्ट समझ में आएगा। तो उसके अलावा जो है सेक्शन भी पूछ लेते हैं कि एग्जामिनेशन कौन से, विटनेस को एग्जामिन कौन से सेक्शन में किया जाता है, और इससे रिलेटेड केस लॉज आप गूगल से लीडिंग केस लॉज शॉर्ट में नोट बना लीजिएगा, उसे बता दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि इतनी डिटेल में तो वो पूछते नहीं। अगर फैक्ट आपको कोई इतना ज़्यादा लीडिंग केस लगे तो उसके फैक्ट भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी तो स्टोरी की तरह होते ही याद हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके भी 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा जो मेन वो है, मेजर जो सब्जेक्ट हैं या मेजर जो प्रोविज़न है या एक्ट है, मैंने उसके सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी भी अपलोड जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा या बेनिफिट उठाते रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियोस या मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, या कुछ इसमें सुधार चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाए जाते हैं। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मैं आपको सपोर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।